तो यार अभी अभी जस्ट मैंने नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज देखकर खत्म किया जिसका नाम है फिरची, जो कि कल यानी कि 2 तारीख को रिलीज हुई है। तो यार आइए जान लेते हैं कि ये सीरीज क्या चीज प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को। तो यार सबसे पहले इसकी ओवरव्यू जान लेते हैं, रिव्यू की बात में करेंगे। दोस्तों सीरीज में एक टीनेज ग्रुप दिखाई देती है जहां पे दो बहन है एनिस और ग्लोरिया और इन दोनों की दो फ्रेंड डेमी और कैमरन, इन लोगों के बीच ही पूरी स्टोरी को दिखाया गया है। और इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है कि इन लोगों को कहीं से एक बॉक्स मिलता है और उस बॉक्स में ज्यादा कुछ था नहीं, कुछ कागज के टुकड़ा और एक तस्वीर था। और फिर कुछ देर बाद वही बॉक्स एक बूढ़ी औरत उन लोगों से ज्यादा पैसे देके खरीदने के लिए आते हैं, पर वो ओल्ड लेडी नहीं खरीद पाते उस बॉक्स को क्योंकि ये लोग देर कर दी थी उस बॉक्स को लाने के लिए और ये ओल्ड लेडी कुछ ज्यादा जल्दबाजी में था। और फिर कुछ दिन बाद ये बच्चे लोग जिन लोगों से ये बॉक्स लिया था उन लोगों को पूछते हैं इस बॉक्स के बारे में और इस तस्वीर की औरत के बारे में। तो उन लोगों ने बताया कि ये लोग उसकी माँ थी जो कि बरसों पहले मर गई थी। और फिर इन बच्चों को लगता है कि ये लोग शायद भूत देख लिया होगा और साथ ही इन लोगों को ऐसा लगता है कि बॉक्स खोलने से उन लोगों को श्राप भी लग गया होगा। और दूसरी ओर एनिस और ग्लोरिया के फादर की कैंसर की बात भी इन लोगों को पता चलती है। तो यार आगे बस आप पूरी सीरीज देख लो तभी आपको पता चलेगा कि क्या चक्कर है इस बॉक्स का और उन लोगों को जो औरत दिखाई दी वो आखिर कौन थी और इसके पापा की कैंसर को ठीक कर पाएगा एनिस और ग्लोरिया, ये भी आप देख पाओगे। दोस्तों बात करते हैं सीरीज की नेगेटिव और पॉजिटिव की ताकि आपको पता चले कि इस सीरीज पर अपना टाइम देना चाहिए कि नहीं। तो यार नेगेटिव के तौर पर बताना चाहूंगा, इस सीरीज में आपको ज्यादा कुछ नेगेटिव देखने को नहीं मिलता है। ये सीरीज जिस जोन पे है उस बिहार पर आपको ज्यादा कुछ नेगेटिव देखने को नहीं मिलता है। हाँ पर सस्पेंस जो एलिमेंट छोड़ा है पहले एपिसोड में उसको लेके ड्रामा जो है अगर इसमें वो सस्पेंस ना रहे तो भी उतना खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। पर हाइप जो रखा था उस बॉक्स को लेके और वो बॉक्स जब खुलासा हुई तो कुछ एक्सप्लोसिव वे में एक्सप्लेन नहीं किया गया है जो कि आप देख पाओगे और वो थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगा। अगर उस बॉक्स को हटा भी दो तो आपको एक टीनेज ग्रुप की कॉमेडी के साथ जो जो फन होता है वो आप देख पाओगे। हालांकि वो बॉक्स इस सीरीज की मेन प्लॉट है जो कि आप भूल जाओगे कि वो भी एक पार्ट है सीरीज की, ये थोड़ा सा मिसिंग सी लगा मेरे को और ज्यादा कुछ है नहीं इस सीरीज में नेगेटिव के तौर पे। बात करो तो पॉजिटिव की, तो यार पॉजिटिव में तो भाई सब कुछ सही है जहाँ पे आपको एक अच्छा क्वालिटी की एक्टिंग साथ ही ड्रामा विद एडल्ट कॉमेडी और भाई ऐसे कॉम्बिनेशन वाला शो मेरे को अच्छा भी लगता है। और मैं तो भाई मस्त एंजॉय किया जहाँ पे आपको एक के बाद एक ड्रामा तो कभी कॉमेडी तो कभी इनर मीनिंग के साथ एडल्ट कॉमेडी और साथ ही थोड़ा बहुत इमोशन वाला टच, ये सभी कुछ परफेक्ट था। और पॉजिटिव की बात करें तो डायरेक्शन भी काफी अच्छा था और जो कलर वगैरह यूज किया है वो भी काफी अच्छा लगा मेरे को। वैसे इसकी मैंने ट्रेलर तक नहीं देखी थी और ये शो जब देखी तो सोचा कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिलेगा और ये शो जब देख रहा था तो सोचा कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिलेगा शायद, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं मिला पर एक बढ़िया डिफरेंट टाइप की शो देखने को मिलेगा जहाँ पे आप बोर तो बिल्कुल नहीं होंगे। सीरीज की लेंथ ईच एपिसोड 20 से 25 मिनट की रखा है और ये बात सबसे बेस्ट लगी मेरे को। टोटल 3 घंटे में पूरी शो कब खत्म होगा और आपको पता तक नहीं चलेगा कब आपने 8 एपिसोड वाला एक शो देख डाली। दोस्तों कंक्लूजन में बताना चाहूंगा अगर आपको एक फ्रेश और फास्ट फॉरवर्ड टाइप की शो देखना है और साथ ही एडल्ट कॉमेडी भी हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। कोई मस्ट वॉच वाला फंडा तो नहीं है इसमें और हाँ टीवी में फैमिली के साथ मत चला देना, अकेला हेडफोन लगा के देखना। दोस्तों ये था फिरची वेब सीरीज के ऊपर एक छोटा सा रिव्यू। वीडियो अच्छा लगे तो नीचे एक कमेंट जरूर करना और इस वीडियो में कहीं से भी पहुंच गए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए बेहद जरूरी है। तब तक के लिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।